जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। सवाल ये उठ रहा है कि 30th आर्मी चीफ कौन बनेगा। अगर हम बात करें तो टोटल पांच कंटेंडर्स हैं यहाँ पर जो लिस्ट में हैं, यहाँ पर बिकमिंग द 30th आर्मी चीफ। आप सबको पता है जनरल पांडे सर को एक मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दिया है, विद मोदी गवर्नमेंट ग्रांटिंग 1 month एक्सटेंशन टू जनरल मनोज पांडे, अदर हुज नेम्स वर सेंट टू कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ACC, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिनके प्रधानमंत्री जी होते हैं, एंड उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर कौन कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली हम सबको पता है कि सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनते हैं, बट जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो यहाँ पर सीनियरिटी कम मैरिट यहाँ पर कंसिडर कर सकती है, एंड यहां पर सीनियरिटी वाले क्लॉज को बाईपास भी कर सकती है इफ गवर्नमेंट ऑफ द डे वांट्स। तो एज आर्मी चीफ गेट्स एन एक्सटेंशन, हियर आर द कंटेंडर्स फॉर द टॉप पोस्ट। द प्रिंट का ये आर्टिकल है, आज हम डिस्कस करेंगे क्या इससे पहले भी किसी को इस तरीके से एक्सटेंशन दी गई है। ठीक है, आज के सेशन में ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इससे पहले तो ऑलमोस्ट 5 decades, ठीक है, यहां पर हम बात करें तो इंदिरा गांधी लेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल जी जी बेवूर, जो कि 8th आर्मी चीफ थे COAS, बाय 1 year इन अप्रैल 1974। उसके बाद ये रिटायर होते हैं ऑन May 31st 1975, यहां पर डायरेक्टली एक साल का। ठीक है, अब एक साल से आप खुद देख सकते हैं कि इनके पीछे जो भी होगा सीनियर विच वॉज अबाउट टू बिकम द नेक्स्ट चीफ, क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर वो नहीं बन पाए होंगे। ड्यू टू द एक्सटेंशन गिवन टू द जनरल बेवूर, जो नेक्स्ट लाइनअप में थे लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत, जो कि एक एस्टीम्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड होते हैं विदाउट एवर बिकमिंग द आर्मी चीफ अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री एक्सपर्ट्स। तो आप देख रहे हो सीधा एक साल का एक्सटेंशन, यहाँ पर तो अभी एक महीने की बात आई है, एक साल का एक्सटेंशन था, इसलिए हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत यहाँ पर आर्मी चीफ नहीं बन पाए। उससे पहले प्रायर टू द जनरल बेवूर यहाँ पर फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ को भी यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया सर को, फॉलोइंग द विक्ट्री इन 1971, जब हम देखते हैं कि हमने बांग्लादेश को यहाँ पर एक नया जन्म दिलवाया, एंड हम देखते हैं कि ईस्ट में हमारे पास यहाँ पर एक और न्यू कंट्री आती है, दैट इज द बांग्लादेश। तो ये दो आप इंस्टांस देख रहे हैं कि पहले एक साल बढ़ाया गया, उसके बाद यहाँ पर सैम मैनेकशॉ सर जी का इनका भी एक्सटेंशन किया गया। इस कारण हम देखते हैं कि बीच में लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत यहाँ पर वो आर्मी चीफ नहीं बन पाते। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पे दे दिया है, ऑल्दो अभी इलेक्शंस जल्दी ही 4th of June को यहाँ पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे कौन सी आती है, एंड देन फर्दर वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 30th 30 में यहाँ पर आर्मी के चीफ किनको बनाया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, ACC द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, मैंने आपको बताया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, आपके एग्जाम के लिए तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती है वो ACC ही करती है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय, या हम कह सकते हैं जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर उन्होंने मनोज पांडे जी के यहाँ पर पीरियड को एक मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया बियॉन्ड हिज नॉर्मल एज, दैट इज अप टू June 30। 31 मई को वो रिटायर होने वाले थे, बट जून 30 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अंडर विच रूल्स? रूल्स 16 कैपिटल ए क्लॉज 4 ऑफ द आर्मी रूल्स 1954। अब बात आती है कि कौन कौन यहाँ पर कंटेंडर हैं जो कि नेक्स्ट चीफ बनने वाले हैं। नाउ नंबर 1, सबसे पहला नाम तो आपको पता ही है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, जो कि अभी करेंटली आर्मी के वाइस चीफ भी हैं। तो यहाँ पर नेचुरली कंटेंडर वो ही बनते हैं कि बिकॉज सीनियर मोस्ट हैं वो पांचों में से, जिनका नाम यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कमेटी को दिया गया है। प्रायर टू टेकिंग ओवर दिस पोजिशन इन फेब, ही वॉज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के थे, जो कि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स को लुक आफ्टर कर रहे थे। तो सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। नंबर 2,
यहां पर, जो कि कहा जा रहा है कुछ सोर्सेस के थ्रू कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह सर, इनका नाम भी टॉप पर है। पहले दो नाम बिल्कुल ही यहां पर कॉम्पिटिटिव हैं आपस में। अब आप देखेंगे कि द्विवेदी सर और अजय कुमार सिंह लेफ्टिनेंट जनरल दोनों ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सेम बैच से हैं, बट यहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह यहां पर हैं वो सीनियर हैं बाय मैरिट रैंक। मैरिट रैंक के हिसाब से वो सीनियर हैं आर्मी के जो रूल्स होते हैं, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल सिंह इज सीनियर टू हिम इन एज बाय अ फ्यू वीक्स। एंड इसी कारण यहां पर कहा जा रहा है कि शायद लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह जी को यहां पर 30th आर्मी चीफ बनाया जाए। ऑल्दो कंफर्म कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड करेगी कि 30th COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसको बनाया जाएगा। सोर्सेस इन द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट सेड दैट ईदर ऑफ देम कुड स्टिल बी अपॉइंटेड एज द आर्मी चीफ, लाइक इन द केस ऑफ फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ठीक है, जिनको यहां पर अपॉइंटेड किया गया था ऑन द डे ही वॉज अबाउट टू रिटायर। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो चाहती है वही होगा एट लास्ट। तो पहले तो आपको 4th जून को इलेक्शंस का रिजल्ट की वेट करनी पड़ेगी कि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द डे कौन सी आती है, उस हिसाब से यहाँ पे लगाए जाएंगे नेक्स्ट आर्मी के चीफ। बट इम्पॉर्टेंट इज कि गवर्नमेंट ऑफ द डे सीनियरिटी के साथ साथ सीनियरिटी कम मेरिट पे भी जा सकती है अगर वो चाहे तो। ओके, नेक्स्ट नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार, ये थर्ड है यहाँ पे सीनियोरिटी में जिनका नाम यहाँ पे गया है, जो कि करंटली नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं। उसके बाद सैनिक स्कूल बीजापुर से हैं ये। यूएस कमीशन इन फर्स्ट बटालियन ऑफ द असम रेजिमेंट जून 1985। उसके बाद उन्होंने द्विवेदी सर को यहाँ पे रिप्लेस किया एज द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर इन फेब, बट वॉज द वाइस चीफ फॉर नियरली अ ईयर। ठीक है, तो थर्ड नेम लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार जी का यहाँ पर गया है। नंबर फोर लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी, ठीक है, जो कि गढ़वाल राइफल्स में 1985 में यहाँ पर कमीशन है, द सेम ईयर इन विच द लेफ्टिनेंट जनरल कुमार बट इज कोर्स जूनियर टू हिम। ठीक है, इन्होंने कमांड किया था बटालियन को ड्यूरिंग द ऑपरेशन राइनो, जो कि एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड द ब्लैक कैट डिविजन इन द ईस्टर्न कमांड। ठीक है, तो फोर्थ नेम आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। नंबर फिफ्थ जो कि लास्ट नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू, ये पांच नाम यहाँ पर ACC कमेटी के पास भेजे गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू इज करेंटली चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC एंड इट रिपोर्ट्स टू CDS। ये कमीशन हुए थे पंजाब रेजिमेंट में ऑन 14th दिसंबर 1985 फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इनके पास एक्सपीरियंस है दोनों स्टाफ और कमांड अपॉइंटमेंट का, ठीक है, इन द क्रूशियल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस नॉर्दर्न और ईस्टर्न थिएटर्स में बिसाइड कमांडिंग द 3 कोर। ठीक है, तो ये पांच नाम यहाँ पे गए हैं। ऑल दो जो पहले दो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, ये यहाँ पर टॉप में आपस में कंटेंडर हैं टू बिकम द 30th आर्मी चीफ। बट इससे पहले भी हमने देखा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर जनरल बेवूर एक साल का एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद सैम मानेकशॉ सर को भी एक्सटेंशन दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल जो भगत थे उनको आर्मी चीफ यहां पर नहीं बन पाए। वो सेम यहां पर कह सकते हो कि अब 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया, बट अब गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर डिपेंड होगा कि वो सीनियरिटी के साथ कौन कौन से फैक्टर्स को देखती है एंड नेक्स्ट 30th आर्मी चीफ को यहां पर अपॉइंट करती है। एग्जाम के लिए यहां पर ACC बहुत जरूरी है, ठीक है, आ सकता है बिकॉज CDS हो गया या जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं ACC कमेटी करती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, आपको ये पता हो। ठीक है, इसके अलावा जो चीज है वो आपको फैक्चुअल चीजें पता हो कि इससे पहले कब इस तरह से एक्सटेंशन दी गई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लास्ट 8 ईयर्स में आपने देखा कि जब हम जो हमारे CDS थे बिपिन रावत सर, उस टाइम पर भी दो ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनको यहाँ पर सुपरसीड करके यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, बिपिन रावत सर को। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीनियरिटी के साथ सीनियरिटी का मैरिट या किस बेसिस पे यहाँ पर आर्मी चीफ को लगाते हैं। सो द ऑल द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।